अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली का। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खैरियत से हैं। तो जी वापसी मेरी हो रही है, तो आज का ब्लॉग मैंने कहा यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ अपनी गाड़ी पे इमरान के साथ, कैरीवैन में नहीं जा रही। तो बस पता नहीं क्यों आज इमरान जल्दी जा रहे हैं, काम काज नहीं है, सीज़न नहीं है, या पता नहीं थोड़ा थकावट वगैरह भी हुई हुई है। कल वापस आए हैं, रेस्ट वेस्ट करना है, कल वापस आए हैदराबाद से। मैंने इनको कहा था कि आज काफ़ी टाइम हो गया है, हमने ना से भी चला गया है खैर से वहाँ पे इस्लामाबाद, तो काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ घर के टेंशन की वजह से और ना होने की वजह से हमने समोसे नहीं खाए। आपको पता है कि समोसों के हम लोग बहुत शौकीन हैं, तो रमज़ान के समोसे वो नहीं खाए। तो आज वापसी कर रहे थे गाड़ी में, तो मैंने कहा कि चले पहले से समोसे लेते हुए आए, वहाँ के भी समोसे बहुत मशहूर है, बहुत मज़े के हैं। तो बस जी आज अब हम खाते हैं, आप लोग देखें। अगर आप यहाँ के हैं तो आप भी ये प्यारे से कीमे के समोसे खाएं और रमज़ान से आलू के समोसे खाएं, बड़े मज़े की है। गर्मी बहुत है अभी भी हमारे, दिन को रात को तो मौसम से बहुत अच्छा हो गया है। इतने ख़राब हैं ये रोड, इतने ख़राब है, दिखाऊं आपको अगर नज़र आए तो वीडियो में सारी हड्डी पसलियाँ दो टाइम हमारे टूटती हैं और जुड़ती हैं, मुझे लगता हिल गई हैं। अपने आम मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, दूसरा मोबाइल मेरा घर है। बस मैंने कहा कि चलें अब जा रही हूँ तो थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। ये गन्ना है कमाद, आपको दिखाऊं और फिर खाऊं। कीमे के समोसे होते हैं जो बड़े सी हैं, देखिए मसाला इसके अंदर कम है लेकिन होते मजे के हैं। चटनी भी होगी, है कि नहीं चटनी, है नहीं है चटनी, पकौड़ों में है, कैसे निकाले कैसे ही खाते हैं। ये चावल है उसकी फसल है, बस अब ये तैयार होने पे ही है। इस वजह से हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है, जब चावल तैयार होते हैं ना फसल चावल की, बड़ी घुटन हबस बहुत होती है। गन्ने को तो ढेर है ना, गन्ने को कितना टाइम है, सर्दियों में आएगा, दो महीने, दो महीने डेढ़ महीना आया अभी। ये इन फसलों से ना कमाल की फसल से और चावल की फसल से वैसे ग्रीनरी अच्छी खासी हो जाती है, उन्हें अच्छा लगता है देखने को ना, आंखों को बड़ा प्यारा, जब जाते हैं आते हैं ना बड़ी ग्रीन ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। ये पकौड़े मिर्चे वालों भी हैं कि नहीं, नहीं लिए, अच्छा किया। आलू वाला मैंने खाया कच्चा आलू, चल लिया पकौड़े उधर रख दिया, मर्जी है। खुले हैं क्या, 10 रुपए दे दो इन्हें, 10 रुपए सीढ़ियाँ तो देखे इनकी, ये आम सा सादा सा लोकल सा होटल है वो ना, लेकिन इनका वैसे कढ़ाई भी बड़े मज़े की होती है, हम अक्सर आते हैं रात को।
इनकी कढ़ाई भी बड़े मज़े की होती है और इनकी चाय बड़े मज़े की होती है। कप इनके थोड़े ऐसे ही होते हैं, होटल दिखने में भी ऐसा है, लेकिन इनका खाना और इनकी कढ़ाई और इनकी चाय बड़े मज़े की है। ये देखें कैसी है भाई आज बनाई, रात को हम कई दफ़ा आते हैं। दिमाग घुमा दिया, होश घुमा दी मेरी चाय ने, बड़ी कड़क चाय है। हाँ अच्छी है, कड़वी सी लग रही है, पत्ती तेज है, तेज दिमाग खुल गया। चलो उठो चले, चले हैं। लो जी आप पकड़ो, हाय गरम गाड़ी और डलवाना है। चले पेट्रोल खत्म है तकरीबन, बिल्कुल ही पेट्रोल डलवा लें। हैदराबाद गए ना, वहाँ से भी आते हुए डलवाया होगा, लेकिन काफ़ी रास्ता है, गांव गए आए तो अब कहाँ है कि इसका अच्छा होता है, सही होता है पेट्रोल, तो यहाँ से डलवा लेते हैं। गर्मी बड़ी है इधर ना, एक साथ ही सामने बिल्कुल पास ही पेट्रोल पंप के ना एक नर्सरी है। बहुत दफ़ा सोचा है, बहुत दफ़ा, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता ना कि कभी आएँ कुछ गमले थोड़े से लेके जाएँ पौधे, तो आ ही नहीं होता ना, मरान होते हैं शॉप पे, तो किसके साथ आऊँ करें। तो फिर आज ना लेंगे तो नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो जिसको कहते हैं ना कि विंडो शॉपिंग वही कर लेते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा, देख लेते हैं क्या चीज़ है, कैसी है कैसी नहीं है। तो फिर ना कुछ दिनों तक अब कुछ भी ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, तो फिर कुछ दिनों तक आके ना कुछ गमले लेके चले गए। हमारे बिल्कुल भी ग्रीनरी नहीं है, कोई पौधा नहीं है, पहले एक दफ़ा रखे थे लेकिन किसी ने कोई केयर ही नहीं की, और दूसरा गर्मी हमारी जब शदीद पड़ती है ना गर्मी, तो फिर पौधे होते नहीं है ना, जल जाते हैं। कोई भी हो, मैंने ए सी वाले रूम में भी रखा, जो मनी प्लांट होता है इस तरह वाले इंडोर प्लांट, फिर भी वो ना जल गए सारे। तो अब दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन आज सिर्फ देखते हैं इधर नर्सरी एक है, छोटी सी हमारा शहर जिस तरह का है, छोटा सा शहर है, छोटी सी नर्सरी, तो उसको देखते हैं। फिर एक इधर एक बाज़ार में है, फिर कुछ लेंगे पौधे दोबारा कभी आएंगे तो। मैं ये मैंने कहा आपको दिखाऊँ, शायद नज़र आ रहा हो पसीना, मेरा इतना पसीना बह रहा है ना, इतना ज़्यादा गर्मी है बाहर हमारे शदीद, अल्लाह जाने कब हमारे मौसम ठीक होगा, कब सर्दी आएगी, सर्दी आएगी और बस अभी हम उसको फील भी नहीं कर सकेंगे तो चली भी जाएगी। एसी चलाएं, मेरी तो हालत हो गई हुई है, बाहर तो फिर भी हवा होगी कि नहीं? हाँ बाहर ठीक है, अंदर गाड़ी है ना, धूप में खड़ी और बंद थी। ये वाली, ये वाली, ये भी लेंगे, ठीक है। साई वालों के पास है, सरकत वालों के पास बहुत सारी, हाँ बहुत सारी है, बस हम अपने घर के भी लगाएंगे ना, गांव में भी है। हाँ हाँ, पता नहीं वो अमात की दादी क्या कह रही थी कि जिसके घर में एलोवेरा हो तो पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ फ़ायदा बता रही थी कि कुछ, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਪਰੇ ਸਪਰੂ ਆਹਾ ਗਮਲੇ ਆ ਗਮਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਹਾ किन्ने किन्ने दी है आ लाल लाल डाड़ो गणे जो है 600 इन का करके पूरा या भी मार ये मथिया के 600 ए जे हिट पहले पेंट का 400 में 600 पेंट का कीता है बिना पेंट
आप ओदा केड़ा वा आ बाहर रखना था अंदर रहा ये अंदर रखे सकते हैं बाहर ये अंदर जो पाए बाहर जो क्योंकि मेरे ख्याल से मैं सुनया वा इंडोर होर हुंदे आ आउटडोर होर हुंदे आ की हो गणो ना मेरे को मतलब बाहर में ना 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 चलो सही है फिर बड़े गमले वाले पौधे से अलग होते छोटे से भी हो सकते कुछ पौधे ये भी अच्छा है ना गमला बस अल्लाह इमरान कर रहे हैं फिर इनसे तरीक़ेकार भी पूछेंगे इनकी केयर भी पूछेंगे इनकी खाद वगैरह इनकी स्प्रे भी पूछेंगे जब लेके जाएंगे तो कोई 8-10 गमले लेके भी जाएंगे बस थोड़ा मौसम सेट हो जाए अच्छा हो जाए और कुछ वक्त वेद भी सेट हो जाए तो फिर लेके जाएंगे इंशाल्लाह फिर केयर भी करेंगे अच्छा लगता है ना ये ग्रीनरी हो फूल हों घर में वो सामने होटल है जहाँ से हमने चाय पी है और ये हमारी गाड़ी है और ये पंप है जहाँ से पेट्रोल डलवाया है बस पास ही दादू के साथ ही है ये सब चीज़ें बहुत दफ़ा मैं आती जाती देखती हूँ नर्सरी लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं कितने प्यारे ये फूल हैं देखें बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है ये वाले रेड वाले ये सारे ये लेके चले गए बस अल्लाह करती घर में मैंने कहा मैं ये जो रेड है ना यही ये ऑरेंज है नहीं पता नहीं चेंज है ज्यादा सर सब क्यों बंदा को ना वो किए क्यों नहीं हूं चलावे बंदा नहीं नहीं फिर लवांगे हजे नहीं लेना आएगा ये भी मौसम के रहे थे या ये 12 महीने ये 12 महीने 12 महीने ये क्या जाना ये के जोरी आए बड़ा भी बोल जाके देख के आवा चले अब चलते हैं किसी दिन इंशाल्लाह आएंगे देखिए इमरान ने कह तो दिया है लेकिन इनका पता कोई नहीं है आए ना आए कब लेके आए से लेने हैं मैंने गाड़ी बड़ी गर्म होगी किसी दिन टाइम निकालिएगा हैं लेंगे हैं बड़ी गर्मी है हाय इसे जला दिया तो बस सरफार बाहर तो पता नहीं शदीद गर्मी है हमारे घर में कब जाएगी